पेन नहीं अपनी। मैं हूँ हेमंत और आज हम बात करेंगे जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमारा एक नेचर फॉर्मेट है 12 NQ = 12 नेचर फॉर्मेट है, या फिर जो भी पेनिन ह्यूमन साइकोसेंस है यहाँ पर आए हुए, मतलब नेचर पर आए हुए जो भी काम करते हैं पर्चुअल बियॉन्डिज्म में, तो वो जब यहाँ पर पैरा नेचर करते हैं तो उनका 12 FQ फॉर्मेट होता है नेचर फॉर्मेट। वैसे ही जब मैंने कहा था कि बहुत ही पास में जब ये सब आए थे कि एक्स प्राइम डिग्री थी मेमोरी, एक्स प्राइम सेंटाइंटस, एक्स प्राइम प्लेक्सानिक्सस और झंझन और टोटलिना, तो वो जब आए थे तो उनका वेंचर फॉर्मेट था 3N3Q। अब 12 NQ का मतलब है, मतलब जो हम कहने में निकाले 12 meters साइज हाइट एंड 12 क्यूटल वेट, 12 पेंगुइन्स का जो है वेंचर फॉर्मेट 12 FQ, मतलब 12 फीट एंड 12 क्विंटल्स वेट, मतलब 1200 kg आपकी परिभाषा में। और जो मैंने कहा अभी पूछा है ना कि प्राइम डिग्री एक्स प्राइम डिग्री थी योगिनी, जिनको यहाँ पर कहा गया था डबल गिरती वहाँ योगिनी, वो जो भी सब आए थे टेक्सस, तो वो थे 3N3Q, मतलब 3 meters टाल, मतलब 10 फुट पकड़ो, 3 meters टॉल एंड 3 क्विंटल वेटेड ऐसे थे। अब ये जो आए थे तो इनको देखने का कोई परिमाण कोई सबूत है क्या? तो जब हमारा पैनी भाई हेमंत किताब जब छप चुका था और एक मेरे दोस्त थे तो उनके साथ में मैं गया था, एक बहुत ही काफ़ी आदरणीय एक थी लेडी, मैजिस्ट्रेट लेवल की लेडी थी, और उनके पीछे उनके फादर का एक फोटो जो पोर्ट्रेट जो होता है वो टाइम वो टंगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैडम आपके ये फादर जो है, तो इन्होंने कभी ऐसा किस्सा शेयर किया था क्या कि वो किसी और प्रांत में किसी और इधर गए थे और ऐसी कोई 10 फुट लंबी कोई फिगर उनके सामने से पास हुई थी क्या? तो शी वाज शॉक्ड कि यस 1951 में मेरे फादर ने ऐसी एक देखी थी फिगर, और फिर मुझे कहा था कि पहले तो तुम लोग कोई पैरास्पेट की कोई ऐसा है, लेकिन सोचा कि नहीं वो काफ़ी तेजस्वी नहीं थी, एकदम तेजस्वी फिगर थी वो, और वो किसी लेडी की थी। तो मैंने उस मैडम को कहा यस मैडम वही थी मियोगिनी महायोगिनी। तो शॉक हुई क्योंकि जो कि उन्होंने मेरी किताब पढ़ी थी पेंडी बाई हेमन, तो उनको वो समझ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये कोई कॉस्मिक एंटिटी नहीं है महायोगिनी, यहाँ के लोगों ने उनको ये नाम दिया डबल कीर्ति या महायोगिनी, क्योंकि वो मतलब सिर्फ यहाँ के नहीं, वो तो पूरे यहाँ पर घूमते थे, लेकिन जब यहाँ पर उनको ये नाम दिए गए तो उसी नाम का उन्हें क्या उच्चारण किया था या फिर कोई उल्लेख किया था, तो ऐसा किस्सा है। और एक जगह मैं और भी गया था, एक पैलेस जैसी कोई जगह है, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा फॉर देयर प्राइवेसी मैटर एंड सीक्रेसी मैटर। तो मैंने कहा था कि क्या यहाँ पर किसी पत्थर पर ऐसा कोई बड़ा सा ऐसा फुटप्रिंट छपा हुआ है क्या? अब कैसे बोलो, अभी 3 M3Q तो 10 फीट हो गए, उनकी पूरी ऊंचाई गई 3 M3Q तो 1 meter उनकी ये हो गई बेट हो गए, जो साइज परिमाण होते हैं तो 40 इंच का पकड़ते हम, तो 13 तो 14 इंच, तो 14 इंच लंबा ऐसा कोई फुट प्रिंट हम जिसको अपने कोई है क्या? तो एक सज्जन थे बुढ़े बुढ़े के, हाँ यहाँ है 14 इंच लंबा एक पत्थर पर बड़ा इंप्रेशन छपा है। और मैंने पूछा कि क्या 1949-50 के आसपास पहले यहाँ पर कोई व्हाइट टाइगर्स हुआ करते थे क्या? बोला हाँ हुआ करते थे, आपको कैसे मालूम? तो कोई बात नहीं छोड़ो, तो वो जो फुटप्रिंट है वो भी उस मियोगिनी का है महायोगिनी, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा वो प्राइवेसी, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूँ एक बोलने के लिए कि भाई ऐसे ऐसा किस्से हुए थे और वो देखने वाले लोग भी थे, सबूत देखने नॉट सबूत एक हाँ भाई देखा था ऐसा ऐसे थे इससे। तो ये बस यहाँ था कि ये वीडियो बेसिक था, ये जो हमारा फॉर्मेट समझाने का 12 NQ क्या है, हमारा इसके नीचे का आने वाला 12 FQ वेंचर फॉर्मेट क्या है, और जो पहले का उनका था कि एक्सपेरिमेंटल दिव्य होगी का वाला वो 3N3Q फॉर्मेट था, ये तो इस काल से ये वीडियो बनाया था।
क्योंकि काफी लोग नहीं समझते कि ये क्या वेंचर साइज वेंचर फॉर्मेट, वो तो कितनी बड़ी बड़ी साइज है ना, वो यहाँ पर कैसे समाएगी। तो अब जब हम इसको 12 से रेस करते हैं तो मतलब कि 12 तो कितने हो जाएंगे। मैंने उसका एक फॉर्मेट एक दिया था कैलकुलेशन मेरी पहली वाली पोस्ट में, बहुत ही मतलब बड़ा होता है। खैर कोई बात नहीं, ये वीडियो यहीं तक, थैंक यू, बैठने के लिए।